नमस्कार। कक्षा 9 एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा भाग हम करने जा रहे हैं, जो कहता है 28 का क्यूब प्लस माइनस 15 का क्यूब प्लस माइनस 13 का होल क्यूब। इसे हमें बिना घनों का परिकलन किए इसका मान ज्ञात करना है। तो जैसा हमने पहले भाग में देखा, हमें सबसे पहले बच्चों ये देखना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब निकालना। तो पहले हम ए बी सी को ध्यान से देखते हैं। ए है 28, बी है माइनस 15, सी है माइनस 13। यदि इसमें से मैं माइनस 15 और माइनस 13 को देखूं तो माइनस माइनस प्लस 15 और 13 हो गए 28, साथ में माइनस, तो इन दोनों को प्लस करके आता है माइनस 28 और यह है प्लस 28, तो इन तीनों को प्लस करके आता है जीरो। देखो कैसे, 28 प्लस माइनस 15 प्लस माइनस 13, यह बराबर है 28 माइनस 15 प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 13, ठीक है। और ये बराबर है 28 में से माइनस 15 माइनस 13 28, साथ में माइनस, तो 28 माइनस 28 हो गया जीरो, ठीक है। और हमें पता है कि यदि x प्लस y प्लस z जीरो के बराबर हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होता है 3xyz के। अभी हमने देखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड जीरो के बराबर आया, इसका मतलब 28 का क्यूब प्लस माइनस 15 का क्यूब प्लस माइनस 13 का क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, यह किसके बराबर हो जाएगा 3xyz के, यानी 3 इंटू एक्स, एक्स है 28 इंटू वाई, वाई है माइनस 15 इंटू जेड है माइनस 13। अब हम इन्हें हल करके देखते हैं। मैं एक एक्स्ट्रा शीट लेता हूं, हमें इन तीनों को गुना करना है। इसमें से 15 तीय हो गया 45, 28 और 13 को मैं गुना करके देखता हूं। 28 को 13 से गुना करो, 13 आठे होता है 104, हासिल आया 10, 13 दूनी 26 और 10 हो गया 36, ठीक है बच्चों। 13 आठे 104, 4 हासिल आया 10, 13 दूनी 26 और 10 364, तो 28 को 13 से गुना करने पे आया 364, और 28 को 13 से गुना करने पे और 15 को 3 से गुना करने पे आया था 45, तो 364 को 45 से गुना कर दो, 5 चौके 20 हासिल आया 2, 6 पांचे 30 और 2 32 हासिल आया 3, 5 तीय 15 और 3 18, 4 चौके 16 हासिल आया 1, 6 चौके 24 और 1 25 हासिल आया 2, 4 तीय 12 और 2 14, 0 में 0 प्लस किया 0, 6 और 2 8, 8 5 13 हासिल आया 1, 1 और 1 2 और 4 6, यह आ गया 16380। इसका मतलब इन चारों नंबरों को सिर्फ संख्याओं को गुना करने से आ रहा है 16380। अब आप इनका साइन भी देखेंगे, यह प्लस इंटू प्लस 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 इंटू माइनस 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 इंटू माइनस प्लस, इसका मतलब ये जो उत्तर है ये प्लस में ही आएगा। तो यही जो है ये 28 क्यूब प्लस माइनस 15 क्यूब प्लस माइनस 13 का होल क्यूब का मान आ गया है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ आया होगा, और यदि अच्छे से समझ आया बच्चों तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।